ग्रेटर नोएडा दादरी के खटाना गांव में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहुंचे, जहां मनीष सिसोदिया का खटाना गांव में पहुंचते ही लोगों ने जोरदार स्वागत किया। दरअसल मनीष सिसोदिया गांव में महाराणा प्रताप की मूर्ति अनावरण करने के लिए आए थे। वहीं आपको बता दें कि महाराणा प्रताप की साठा 84 कहलाने वाले क्षेत्र की सबसे ऊंची प्रतिमा गांव खटाना में लगाई गई है। वहीं मनीष सिसोदिया ने कहा कि क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़े और अच्छे कामों में अपने क्षेत्र और अपने समाज का नाम ऊंचा करें। सपूत है, आप क्या कहना चाहेंगे? महाराणा प्रताप का जन्म जीवन हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि किसी काम को हिम्मत से कैसे किया जा सकता है। जब दुश्मन की सेना भी सामने खड़ी हो तो एक छोटी सी हिम्मत और फौज के सामने के साथ लड़के कैसे ताकतवर से ताकतवर दुश्मन को हराया जा सकता है, कैसे ताकतवर से ताकतवर बुराई को हराया जा सकता है, उसका प्रतीक है महाराणा प्रताप हमारे लिए। और हम 84 के लोग, हम इस क्षेत्र के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग हमेशा इस बात से प्रेरणा लेते रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि खटाना गांव में हमने देखा कि ग्रेटर नोएडा की दादरी के खटाना गांव में अभी कुछ देर पहले उप मुख्यमंत्री दिल्ली श्री मनीष सिसोदिया जी ने अभी महाराणा प्रताप मूर्ति का अनावरण किया है। बताया जा रहा है कि 84 में पहली मूर्ति है जो सबसे बड़ी और सबसे ऊंची आकार की स्थापित हुई है, वो भी ग्राम खटाना में। मैं आप लोगों को बता दें कि मनीष सिसोदिया जी इसी साटे से वास्ता रखते हैं और उनका आप देख सकते हैं कि पीछे भव्य कार्यक्रम चल रहा है। मैं आप लोगों को दिखा दूं कैमरे के माध्यम से कि पीछे ही इतना जन समूह आया है यहाँ पे और पूरा साटे से लोग इकट्ठा होकर आए, पूरा रोड जाम हो चुका है। और देखना होगा कि इस समय खटाना गांव में इस महाराणा प्रताप मूर्ति का अनावरण होने के बाद यहाँ से कैसा मैसेज जाता है। कैमरामैन अमित के साथ नरेंद्र ठाकुर, ग्रेटर नोएडा, Live 24। अभी कुछ देर पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया है। आइए जानते हैं युवाओं से कि युवाओं में आज ये कैसा जोश है इसको लेकर। योगेश चौहान जी, आप बताइए कैसा महसूस हो रहा है आपको खटाना गांव में मूर्ति स्थापित है? जो हमारे 84 में महाराणा प्रताप जी, बड़ी महाराणा प्रताप जी ने मूर्ति का अनावरण हुआ है, इससे पूरे ही क्षेत्र में बड़ी खुशी की लहर है। पूरा क्या नाम है जी आपका? मेरा धर्मेंद्र पहलवान है। कैसा लग रहा है यहाँ पे? मुझे बहुत ज्यादा खुशी है और युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत जो हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जो प्रतिमा लगाई गई है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। और जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने भी एक जो लहर निकाली है कि हम जो है एक हल्दी घाटी सेना के तौर पर हर जगह हर जो भी हमारा 84 है इसमें युवाओं को शिक्षा दें और अपने युवाओं को समझाएं, जिससे कि हमारी ज्यादा से ज्यादा युवा पीढ़ी जो है।